अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरी। जीवियत आज हम वाइट चना पुलाव बना रहे हैं। तो ये देख लें, माशाल्लाह से ये हमने बॉईल कर लिए हैं चने। तकरीबन ये एक पाव के करीब हमारे ये चने हैं, मैंने इनको बॉईल करके रखा हुआ है। नमक ऐड करके बस इसको सिंपली मैंने बॉईल कर, बचत के लिए। तो मैंने इसमें ये देख लें, एक पाव के करीब इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। और आधा किलो के करीब ये देख लें हमारे ऑनियन हैं, प्याज हैं आधा किलो के करीब। और मैं इसे लाइट ब्राउन सा कलर इसका करेंगे। और ये देख लें व्यूज, ये मसाला देख लें, ये लहसुन अदरक है ये देख लें, ये हरी मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा है, ये थोड़ी तेज़ हैं हरी मिर्चें बना रहे हैं, तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट रखिएगा। तो मैं सिंपली इसको ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसमें। तो मैं ये देख लें, ये ब्लैक पेपर है ये देख लें, थोड़ी सी मैं और ले लेती हूँ। इसको भी हम ये देख लें पीस लेंगे, इसमें डाल के पाउडर फॉर्म बना लेंगे इसका। तो जिस मैं इसको पीस के फिर आती हूँ जी। और वीस ये देख लें, ये तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून के करीब ये हमारा सूखा धनिया है। और डेढ़ टेबल स्पून के करीब ही मैंने ये देख लें इसमें ज़ीरा ऐड किया हुआ है। और इसी के अंदर मैं डेढ़ टेबल स्पून ऐड कर दूंगी, ये देख लें ये सौंफ है, देख लें ये इसमें ऐड कर देंगे। सौंफ में मोटा मोटा सा फूट लूँगी, ज़्यादा पाउडर नहीं करना, धरधरा सा इसको हम पीस लेते हैं जी। वीस देख लें, ये मोटा सा धरधरा सा ये देख लें, मैंने इसको भी कूट लिया है। ये देख लें काली मिर्चें भी हमारी इसी के अंदर हैं, तो इसी में मैं ऐड कर देती हूँ ये सारे मसाले। 10 से 12 आदत ही मैंने आलू बुखारे हैं, ये मैंने गर्म पानी के अंदर डिप कर दिए जी। वी इसे देख लें माशाल्लाह से ऑनियन पे ये देखें गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी जी। वी इस ऑनियन मैंने ब्राउन करके निकाल ली है। अब ये देख लें, दो लीफ हैं स्पाइसी लीफ हैं ये हैं, और दो ये बड़ी इलायची, इनको मैंने इस तरह से खोल लिया है। एक स्टिक है ये दालचीनी की, जो सिनेमन स्टिक होती है ये वो है। और ये देख लें ये थोड़ा सा ये साबुत गर्म मसाला है हमारा, ये मैं इसमें कुकिंग ऑयल में ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्का सा इसका अरोमा निकल जाता है। तो फिर मैं इसमें मज़ीद मसाले ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये देख लें जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का ये पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट यूज़ कीजिएगा, जितना आप तीखा खाते हैं मिर्चियों उस हिसाब से डालिएगा। क्योंकि इसमें हमने ना लाल मिर्ची ऐड करनी है ना हल्दी ऐड, थोड़ा फोकस रखेंगे। तो ये हल्का सा मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी, फिर इसमें मज़ीद मसाले इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जी। वीएस जब तक ये हमारा जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट है ये कुक होता है, और इसी के साथ मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी। जिसमें ये देख लें, डेढ़ टेबल स्पून के करीब ये हमारी सौंफ थी, डेढ़ टेबल स्पून के करीब हमारा ज़ीरा था, और डेढ़ टेबल स्पून के करीब ये हमारा साबुत सूखा धनिया था, इसे धरधरा सा हमने कूट लिया है। और ये देख लें काली मिर्चें हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून हमारी ये हैं, 3 टेबल स्पून भर के हमारा ये नमक है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस ये सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और टेस्ट वाइज ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा होता है। अब ये इस मसाले के साथ ज़रा अच्छी तरह मैं इसको कुक करूँगी। तीन मिनट के लिए इसको मसाले को अच्छी तरह कुक करेंगे, क्योंकि इसमें जब मैंने पेस्ट बनाया था जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का, तो इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया था पेस्ट बनाने के लिए। तो जाहिर सी ये बात है, थोड़ा सा उसमें था पानी, तो वो उसको हम ड्राई करेंगे और साथ में ये हमारे ड्राई मसाले भी कुक हो जाएंगे जी। वीस देख लें माशाल्लाह से मसाला हमारा कुक हो गया, ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हमारे चने हैं, मैंने बॉईल किए हुए हैं, ये एक पाव के करीब हमारे चने थे, तकरीबन एक पाव से थोड़े से ज़्यादा होंगे। और ये देख लें एक प्याली हमारी ये दही की है, ये इसमें चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी के साथ व्यूज ये देख लें, मैं इसमें ये आलू बुखारा मैंने गर्म पानी में डिप करके रखा हुआ था, ये इसमें डाल देंगे। व्यूज 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर लगाऊंगी, ताकि ये दही का पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। वो आलू बुखारे अभी ऐड किए हैं, तो उसका भी थोड़ा सा वो वाटर था वो भी थोड़ा सा हो जाए। इसमें कवर लगा दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चनों के अंदर भी इसका मसालों का फ्लेवर चला जाए। व्यूज देख लें, इसमें जो वो पानी था उसका, दही का पानी था, ये सारा वाटर इसमें ड्राई हो चुका है, और ये अच्छी तरह से जो मसालों का फ्लेवर है वो भी चनों के अंदर आ चुका है। तो अभी इसमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से मैं भून लूँगी, और फिर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। चनों के लिए इसमें मैं वाटर ऐड करूँगी, फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी वाटर आपने इतना ऐड करना है इसमें
अगर आपकी 1 किलो राइस है ना, तो आपने 1 किलो से थोड़ा सा पानी कम रखना है। मान लें कि आपके 4 गिलास चावल हैं, तो आपने 4 और 4 8 डबल, और आपने 1 गिलास को कम कर लेना, यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी आपने कम रख लेनी है। ये अदरवाइज़ तो ऐसा होता है कि हर इलाके के अलग अलग से राइस होते हैं, तो उनकी क्वांटिटी फिर मुख्तलिफ ही यूज़ होती है। कुछ राइस जो है वो ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ राइस कम पानी लेते हैं, तो ये फिर आपकी राइस पे डिपेंड करता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा वाटर कम ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। 4 गिलास हमारे राइस थे और मैंने 7 गिलास इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको हम बॉईल आने देंगे। नमक आपने इस स्टेज पे चेक कर लेना, आप अपने अकॉर्डिंग योर टेस्ट यूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा इस वक्त नमक तेज़ होगा तो वो चावलों में बराबर हो जाएगा। जैसे इसमें बॉईल आता है तो फिर मैं इसमें चावल ऐड कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वीस देख लें, माशाल्लाह से इसमें बॉईल आना शुरू हो गया। ये देख लें इसमें बबल आ रहे हैं पानी में, तो वीस मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी, राइस ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें ये बनासमती राइस है, और मैंने इसको तकरीबन अच्छी तरह वॉश करके पानी से, और मैंने इसे 25 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इस अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। इसे देखिए, इसी के साथ में थोड़े से ऑनियन ऐड कर दूँगी, थोड़े से मैं भी ऐड करूँगी, थोड़े से मैं बाद में ऐड करूँगी। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छी तरह। अब इसमें मैं कवर लगा दूँगी, 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम रखेंगे और फिर फ्लेम को लाइट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बस ये देख लें माशाल्लाह से हमारे राइस, ये देख लें, बस थोड़ी सी इसमें कसर है के ऊपर तवा रख कर, और फिर इसे मैं दम पे लगा दूँगी। देख लें माशाल्लाह कितना प्यारा ये देखें राइस है। अब हम इसे दम पे लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वीएस देख लें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, वाओ माशाल्लाह से बिल्कुल ये रेडी हो गया। मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है, ये ज़बरदस्त से लग रहे हैं। अगर मेरी कैमरा मैन ही आपको क्लोज दिखाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी वीएस देखें, और मैं इनको निकाल लूँगी, डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें, ज़बरदस्त से हमारे राइस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशबू आ रही है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट, जिस तरह से हम अक्सर देख का पुलाव खाते हैं तो किस तरह से खुशबू आती है, और बहुत टेस्टी सा ये वैसे ही इंशाल्लाह बनेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी वीएस। माशाल्लाह से हमारे ये राइस रेडी हैं, देखें कितने ज़बरदस्त इसका अरोमा उठ रहा है, और ये ब्राउन प्याज ये देख लें मैं इस तरह से इसकी साइडों पर डाल दूँगी, और मेरा फेवरेट रेड रोज़ ये देखें मैंने ये इसे भी सेटिंग से रख दिया है, और इसी के अराउंड में ये देख लें मैं इसमें ब्राउन प्याज डाल, बहुत ही ज़्यादा यमी सा ये हमारा पुलाव बना है। और थोड़ी सी हम इसके साथ हरी मिर्चें देखें इस तरह लेंथ वाइज कटी हुई, ये थोड़ी सी हम ऊपर ऐड कर देते हैं। जी वीएस देख लें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त था ये नज़र आ रहा है, माशाल्लाह खाने में उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी हो, आप भी इसे अपनी फैमिली में ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल, जिंदगी में सांसों नहीं, आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में।